गाइस टेक्निकल एंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस आज के इस वीडियो पर मैं आपको एक छोटा सा 12 वोल्ट एडेप्टर बनाकर दिखाऊंगा और वो काफ़ी पोर्टेबल साइज का होने वाला है। और इस एडेप्टर से आप आसानी से एक 12 वोल्ट का कूलिंग फैन चला सकते हैं, जो CPU फैन आता है उसे आप चला सकते हैं, और 12 वोल्ट का स्ट्रिप लाइट जला सकते हैं और LED भी जला सकते हैं। 12 वोल्ट का जो छोटे मोटे LED आते हैं उसे भी आप आसानी से इसे जला सकते हैं। काफ़ी यूजफुल गैजेट है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फटाफट इसे बना लेते हैं। सबसे पहले 1N4007 नंबर का चार डायोड ले लेना है और इन चारों डायोड में से दो डायोड को सबसे पहले लेना है। और इन दोनों डायोड का जो दो सफ़ेद वाला दाग दिख रहा है, इस साइड का जो दोनों लेग है, इस तरीके से आपको दोनों को एक साथ मिलाकर इस तरीके से मोड़ लेना है। इसके बाद बाकी जो दो डायोड है उसको आपको लेना है और इन दोनों डायोड का जो ब्लैक कलर का साइड है, उस साइड का जो दो लेग है उसको आपको आपस में मिला लेना है। तो यहाँ पर इस साइड का सफ़ेद वाला कलर है और इधर जो है पूरा ब्लैक है, तो इन दोनों लेग को इस तरीके से आपस में टाइट करके जोड़ लेना होगा। तो यहाँ पर ये दो पेयर बन चुके हैं, अब इन दोनों पेयर को आपस में इस तरीके से जोड़ लेना होगा। तो यहाँ पर एक डायोड का ब्लैक साइड और एक का सफ़ेद साइड इस तरीके से आपको जोड़ना होगा दोनों साइड को। तो अच्छे से यहाँ पर आपको टाइट करके मोड़ लेना है और उसके बाद सभी जॉइंट को अच्छे से यहाँ पर सोल्डिंग कर देना है। तो फटाफट मैं यहाँ पर सोल्डिंग कर लेता हूँ इसे कुछ इस तरीके से। तो कुछ इसी तरीके से आपको भी बढ़िया से चारों जॉइंट को सोल्डिंग कर लेना है और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा लेग है इसे हमें काट कर हटा देना है। तो कटर की मदद से फटाफट से इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पर ये चारों डायोड का ब्रिज कनेक्शन हो चुका है। अब हमें ये 105J 400 वोल्ट का एक PF कैपेसिटर लेना है। अब इस PF कैपेसिटर को हमें इस डायोड के इस पॉइंट पर कनेक्ट करना है जहाँ पर एक डायोड का ब्लैक साइड जुड़ा हुआ है और एक का सफेद साइड जुड़ा हुआ है। तो उसी पॉइंट पर हमें इस कैपेसिटर को जोड़ देना है। अब हमें लेना है एक 1 MΩ का रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस को हमें इस PF कैपेसिटर के बीच में लगा देना है, कुछ इस तरीके से आपको सोल्डिंग कर देना है। इसके बाद गाइस आपको एक 100 ओम 2 वाट का रेजिस्टेंस ले लेना है, लेकिन मेरे पास ये 22 ओम का रेजिस्टेंस पड़ा हुआ था तो मैं इसी को लगा दे रहा हूँ, 100 ओम का मेरे पास अभी नहीं है। तो ये जो रेजिस्टेंस है कैपेसिटर के इस पॉइंट पर सोल्डिंग कर देना है। ये रेजिस्टेंस फ्यूज के जैसा काम करेगा, अगर आपका सर्किट में हाई वोल्टेज आ जाता है तो सबसे पहले रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा और बाकी कंपोनेंट आपका बच जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस सर्किट को इस डायोड के इस पॉइंट से और ये जो रेजिस्टेंस का पॉइंट है यहाँ से हमें AC इनपुट देना पड़ेगा और बाकी जो दो डायोड का पॉइंट है यहाँ से हमें 12 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। इसके बाद गाइस आपको एक 2-पिन AC जैक ले लेना है और इस जैक को खोलकर आपको ये जो दो पिन है इसको आपको निकाल लेना है। इसके बाद इन दोनों पिन को हमें इस सर्किट बोर्ड का जहाँ से AC इनपुट देंगे तो उसी पॉइंट पर इस दोनों पिन को सोल्डिंग कर देंगे डायरेक्ट कुछ इसी तरीके से। ये जो दोनों पिन है इस पर आप छोटे छोटे नट देख रहे हैं, इसी नट के साथ हम सोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर एक को फटाफट रेजिस्टेंस के साथ जोड़ देते हैं और दूसरा वाला हमें डायोड के साथ बिल्कुल एक लेवल पर जोड़ना है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा वायर सोल्डिंग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको एक वायर का टुकड़ा ले लेना है, फटाफट से इस तरीके से सोल्डिंग कर देना है। तो इन दोनों पिन को सोल्डिंग करने के बाद हमें इस पूरे सर्किट को एक बॉक्स के अंदर फिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक भिक्स वेपर का खाली डब्बा ले लेना है। अब इस डिब्बे का ऊपर वाला जो कवर है हमें इसको खोलकर हटा देना है और सर्किट को हमें अंदर फिट करना होगा। तो उसके लिए हमें इस पिन को निकालने के लिए इस डिब्बे में होल करना पड़ेगा। तो सोल्डिंग आयरन से फटाफट यहाँ पर मैं होल कर लेता हूँ। जरूरी नहीं है कि आपको ये विक्स वेपर का ही डब्बा लेना है, आप चाहे तो दूसरा कोई सा भी एक खाली डब्बे के अंदर इस सर्किट को फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दोनों पिन को खोल लेना है कुछ इस तरीके से और उसके बाद इस नट को इस होल के अंदर से इस तरीके से डाल देना होगा और इस सर्किट को अंदर फिट करने के बाद इन दोनों नट पे फिर से इस पिन को लगा देना है अच्छे से टाइट करके। इसके बाद गाइस आपको इस सर्किट में और दो कंपोनेंट लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक 25 वोल्ट 470 UF का कैपेसिटर ले लेना है। तो इस कैपेसिटर को हमें इस सर्किट का जहां से आउटपुट वोल्टेज निकलेगा वहां पर हमें पैरेलल पे लगा देना है। तो यहां पर इन दोनों डायोड के पॉइंट में से जहां पर सफेद कलर लगा हुआ है वहां से हमें पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा और ये ब्लैक वाला साइड से नेगेटिव आउटपुट मिलेगा। तो यहां पर हमें कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ देना है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव। तो चलिए फटाफट सोल्डिंग कर लेते हैं वायर से। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव पॉइंट पर ब्लैक कलर का वायर सोल्डिंग कर दे रहा हूँ और पॉजिटिव पॉइंट पर ये रेड कलर का वायर सोल्डिंग कर दे रहा हूँ। कुछ इसी तरीके से आपको अंदर से बढ़िया से सोल्डिंग करके कनेक्शन कर देना होगा। लेकिन गाइस अभी भी इस सर्किट में से हमें 12 वोल्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको एक 12 वोल्ट का जीनर डायोड लगाना पड़ेगा। इस डायोड पर जिस साइड पे ब्लैक कलर का लाइनिंग है उस साइड को आपको पॉजिटिव के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो इस डायोड को आपको पैरेलल में कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पर मैं डायोड का नेगेटिव पॉइंट को कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट पर जोड़ दे रहा हूँ और पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव पर। और उसके बाद आपको एक वायर लेना है इस तरीके का और इस कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट पर ब्लैक कलर को जोड़ देना है और पॉजिटिव साइड पर रेड कलर को जोड़ देना है। तो इस तरीके से वायर को कनेक्ट कर देना है। इसके बाद इस वायर को बाहर निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा होल कर देना होगा सोल्डिंग आयरन से। तो गाइस यहाँ पर आपको सभी अंदर का जो कनेक्शन है ध्यान से देख लेना होगा क्योंकि आपस में टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट की वजह से यह पूरा सर्किट जो है खराब हो सकता है। इसके बाद आपको एक रेड कलर का LED ले लेना है और उस पर आपको एक 1 kΩ का रेजिस्टेंस लगा देना है और इस LED को हमें यहाँ पर 12 वोल्ट पर कनेक्ट कर देना होगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर ये LED इंडिकेटर का काम करेगा। तो अब हमें इसका ऊपर वाला कवर को हमें लगा देना होगा। तो यहाँ पर मैं LED के लिए एक होल कर लिया हूँ और ये आउटपुट वायर को निकालने के लिए यहाँ पर मैं एक और एक
होल किया हूँ और इन दोनों वायर को इस होल में से आपको बाहर निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद इसके ऊपर वाले कवर को हमें अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर देना होगा, तो फटाफट से मैं इस कवर को लगा देता हूँ। लेकिन गाइस आपको यहाँ पर एक बार अंदर अच्छे से देख लेना होगा, क्योंकि अंदर जो है 220 वोल्ट एसी आएगा, तो उसके चलते आपको सभी जॉइंट को जो है सेपरेट रखना पड़ेगा। तो वायर कहीं पर टच वगैरह नहीं रखना है, अंदर से बढ़िया से देखने के बाद इस कवर को लगा देना होगा। तो गाइस अब इस वायर में से हमें 12 वोल्ट डीसी आउटपुट मिलेगा। तो चलिए अब इस एडाप्टर को मैं एसी पर कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इस बोर्ड का कितना वोल्टेज आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं मल्टीमीटर को एसी पर सेट कर लिया हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वोल्टेज जो है कितना आ रहा है। तो लगभग यहाँ पर 235 वोल्ट आ रहा है एसी, 235 वोल्ट एसी यहाँ पर दिखा रहा है। तो चलिए अभी मैं फटाफट इसको कनेक्ट करता हूँ इस एडाप्टर को। तो यहाँ पर मैं जैसे ही इसको कनेक्ट करता हूँ और स्विच को मैं ऑन किया हूँ, तो देख सकते हैं रेड लाइट जल चुका है, तो मतलब ये अडेप्टर जो है प्रॉपर काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं इसका आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो मल्टीमीटर को मैं डीसी पर सेट कर लिया हूँ, तो इन दोनों प्रॉप को मैं जैसे कनेक्ट किया हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है, 12 पॉइंट कुछ वोल्ट आ रहा है, तो 12.59 वोल्ट आ रहा है, तो काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए अब इस एडाप्टर से मैं कुछ एलईडी और ये मोटर वगैरह चलाकर आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये वाला एलईडी जलाऊंगा, तो ये एक 12 वोल्ट का एलईडी है, तो इस तरीके से मैं फटाफट कनेक्ट कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं ये जो एलईडी है काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रहा है। यहाँ पर आपको नेगेटिव पॉजिटिव जो है ध्यान से लगाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से जल रहा है ये एलईडी। तो चलिए अभी मैं ये एलईडी स्ट्रिप जो है ये एक 12 वोल्ट का एलईडी स्ट्रिप है, इसको मैं जलाकर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए फटाफट से इसका दोनों वायर जो है मैं जोड़ लेता हूँ। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये जल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस है। गाइस हमें एक भाई ने कॉमेंट किया था कि भाई आप एक स्ट्रिप लाइट डायरेक्ट एसी पर चलाकर दिखाओ। गाइस ये जो 12 वोल्ट का स्ट्रिप लाइट है डायरेक्ट एसी पर हम लगाएंगे तो सिर्फ इसमें से धुआं निकलेगा, लाइट बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो आपको इस एलईडी स्ट्रिप लाइट को जलाने के लिए इस तरीके का एक एडाप्टर बनाना पड़ेगा 12 वोल्ट का। तो अब गाइस आपको मैं ये कूलिंग फैन चलाकर दिखा देता हूं। ये 12 वोल्ट का कूलिंग फैन है, तो फटाफट से इसका वायर जो है कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां पर मैं जैसे ही इसका वायर जो है कनेक्ट किया हूं, तो देख सकते हैं ये घूमना स्टार्ट हो चुका है, तो काफी अच्छे से यहां पर जो है घूम रहा है ये। यहां पर गाइस आपको मैं एक बात क्लियर बता देता हूं, इस एडाप्टर से आप ज्यादा हेवी लोड नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ये एडाप्टर जो है काफी कम एंपियर का है। हां आपको अगर एक छोटा एलईडी जलाना होगा तो 12 वोल्ट वहां पर आप इसे यूज कर सकते हैं, या फिर एक कूलिंग फैन चलाना होगा तो वहां पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा हेवी लोड के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। दो तीन कूलिंग फैन एक साथ जोड़ देंगे तो नहीं चलेगा। यहां पर मैं ये 9 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट पर चलने वाला एक डीसी मोटर को चलाकर देख रहा हूं, तो काफी बढ़िया यहां पर घूम रहा है, लेकिन इसका स्पीड जो है उतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए था, फिर भी ये मोटर काफी अच्छा घूम रहा है। तो गाइस इस एडाप्टर को आप भी आसानी से घर पर बना सकते हो काफ़ी कम पैसे में, क्योंकि इसके अंदर का जितना भी कंपोनेंट है वो लगभग 10 रुपये के अंदर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर मिल जाएगा। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपको कुछ पूछना है तो हमें इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग वीडियो के साथ।